दोस्तों जिस प्रकार एक घर बनाने के बाद में उसे कलर करके प्लस्तर करके खिड़की दरवाजे लगा के लाइटिंग लगा के उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है, उसी प्रकार एक नए चैनल को क्रिएट करने के बाद में उसे एक अट्रैक्टिव लुक प्रोफेशनल लुक देना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो। और अट्रैक्टिव लुक दे कैसे सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल बैनर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए बना सकते हो और उसी का यूज़ करते हुए उसे लगा भी सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हो तो ये चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपने हाल ही में अपना चैनल क्रिएट कर रखा है या आपका कोई पुराना चैनल है उसको आपने चैनल बैनर नहीं लगाए तो इसे जरूर लगाना चाहिए, इसके काफ़ी फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि चैनल बैनर बना कैसे सकते हैं। मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको बनाना बता रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए भी आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जो आप चैनल पर बनाए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन है कि जिस विषय में आप वीडियोस बनाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल बैनर से एक ही बार में देखने को मिल जानी चाहिए। तो इसलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर पहले सीखते हैं कि चैनल बैनर कैसे बना सकते हैं, उसी के बाद में हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम अपने YouTube चैनल पर लगा भी सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कैसे आप अपने चैनल बैनर को लगा के अपने चैनल को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं और आप खुद फील करेंगे कि आपके चैनल के अंदर एक अट्रैक्टिव लुक आ चुका है, आपको खुद आपका चैनल अच्छा लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से इसे हम यूज़ करना सीखते हैं, कैसा इसे क्रिएट करते हैं और कैसे आप इसे अपने चैनल पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कोने पे 3 डॉट पे जाना है, इमेज साइज में जाना है और कस्टम पे क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद में जो ये टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको टच करना है, सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट वाला आइकन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। अब यहाँ पर आपको एक इमेज एड करनी है जिससे आपको पता लगे कि किस साइज में आपको अपना बैनर बनाना है, तो इंटरनेट से आप इसे डाउनलोड कर लेना, फ्रॉम गैलरी में जाके इसे ऐड कर लेना। उसके बाद में आपको करना क्या है, ए के बगल में जो पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और हाइट और विड्थ को फुल कर देना और राइट पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी इस साइज में। उसके बाद में हम इसे यहाँ पर लॉक करेंगे तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे जैसे कि ये इमेज यहाँ पर हिलेगी डुलेगी नहीं। तो अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा जूम करेंगे, जूम करने के लिए इस जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर एक लेके आएंगे शेप, शेप को ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप पर ऐड करेंगे, शेप के कॉर्निंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राउंड वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसको एडजस्ट करते हुए कॉर्निंग पर ले जाएंगे और उसके बाद में आप एक कॉपी तैयार कर लेंगे इसकी। तो कॉपी तैयार करने के लिए इसके साइड में ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी, तो इसको तैयार करेंगे और साइड में करके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कलर कर रहा हूँ, आपको जो कलर पसंद हो वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सेट कर सकते हैं इसके साइड को छोटा बड़ा करते हुए। तो मैं कुछ इस टाइप से इसे यहाँ पर लगाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करने वाला हूँ जो मेरी खुद की इमेज है, आप लोगों चाहें तो लोगों भी लगा सकते हैं। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, ये जो राउंड सर्कल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसी डिज़ाइन के ऊपर, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद में आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करें, तो टेक्स्ट ऐड करने के प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का यहाँ पर नाम लिख लेना है, तो ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो चैनल का नाम है इस पर क्लिक करके टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, साइड में जाके यहाँ पर साइज़ का मिल जाएगा टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना जैसे आपको डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर फॉन्ट, फॉन्ट साइज का, तो यहाँ पर फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, तो आपको जैसे फॉन्ट चाहिए वैसे यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एक और टेक्स्ट ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करें, टेक्स्ट पर जाएं और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सेट करके यहाँ पर ले आना है, ए पे जाना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस बारे में चैनल बनाते हैं उस सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लेंगे और उसके बाद में साइज़ को छोटा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और राइट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब हम इसके बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ करने वाले हैं, तो आप ये इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं लाइटिंग इमेज सर्च करके। तो इस इमेज को मैं पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं गैलरी में जाने के बाद में और यहाँ पर जाके इसे सेलेक्ट करके आप क्रॉप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब इस इमेज को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस लेयर के कोने पर क्लिक करते हुए इसको लेके आना सेकंड लास्ट नंबर पोजीशन पर रख देना है और उसके बाद में फिर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस टाइप से आपका जो बैनर है बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक और इमेज लगानी है, जब आप इसे कोई पीसी पर आपके चैनल को विजिट करेगा तो कुछ उस टाइप से दिखाएगा, ये सिर्फ मोबाइल और
टैबलेट के अंदर दिखाने के लिए प्रीव्यू तैयार हुआ है। अब पीसी के लिए यूज़ करने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेंगे। तो इसे सेम वही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को, और उसके बाद में रिलेटिव साइज़ में जाएंगे और यहाँ पर अपने को एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब आपका सारा काम हो चुका है, बस इसको लेयर वाले क्लिक करते हुए सेकंड लास्ट पेज को डाल देना है और आपका जो बैनर है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या है, सेव वाला जो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको सेव टू गैलरी में कर देंगे। इस प्रकार से आप अपना चैनल बैनर बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसे ब्राउजर को ओपन करना है जिसमें डेस्कटॉप मोड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में सर्च बार में जाना और यहाँ पर टाइप करना है यूट्यूब, और यूट्यूब टाइप करने के बाद में आपको सिंपली इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप से एक वेब पेज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ऊपर जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर डेस्कटॉप मोड जो आपको मिलता है डेस्कटॉप साइट इसे इनेबल कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने जो रिजल्ट आए हैं इसके अंदर सेकंड नंबर की वेबसाइट देखने को मिल रही है यूट्यूब की, उसके ऊपर क्लिक करना और इसे ओपन कर लेना। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो कॉर्नर में क्लिक करना, यूर चैनल पर जाना, और चैनल पर जाने के बाद में आपके सामने कुछ टाइप से ऑप्शन आएंगे तो आपको चैनल मैनेज का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना, आप YouTube स्टूडियो में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है ब्रांडिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलता है रिमूव का या फिर चेंज का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेंज का मिल रहा है क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा है, आपने चेंज का नहीं मिलेगा, आपको ऐड का मिलेगा। तो इस पर क्लिक करना, फाइल मैनेजर ओपन करना और जिस भी फाइल में आपकी जो चैनल बैनर पड़ा है उसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इस टाइप से प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना और फिर ऊपर जो पब्लिश का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद में जब आप वापस अपने यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर आपको ये आपको लगा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर नहीं लगा, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जो चैनल बैनर है मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चैनल बैनर लगा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल बैनर नहीं यूज़ किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप इसे यूज़ कर लें क्योंकि इससे आपके चैनल में प्रोफेशनल लुक आता है। तो आई होप आप यूट्यूब चैनल बैनर लगाना सीख चुके होंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।